आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ वो तीन बेस्ट ऐप्स जिनसे आप अपनी किसी भी पिक्चर से इजीली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। यू आर वॉचिंग टेक फैड। तो मेरी फर्स्ट चॉइस रिमूव वीजी है और ये इसलिए कि मुझे दूसरे ऐप्स के मुकाबले में इसकी ऑटोमेटिक बैकग्राउंड रिमूविंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी लगी। मगर इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ ऑनलाइन वर्क करता है, लेकिन आई गेस कि इसकी अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड करने की वजह भी यही है। अपनी पिक्चर अपलोड करने के बाद ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। सी, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है। इस एडिट के बटन पर क्लिक करके आप इसके कुछ और मज़ेदार फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड ब्लर है 3 इंटेंसिटीज़ के साथ। और आप अपने फ़ोन से अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड भी अपलोड कर सकते हैं या इनमें से यूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज्ड बैकग्राउंड के साथ भी आप इंटेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रीस्टोर या फोरग्राउंड मैन्युअली भी रेज कर सकते हैं। Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself. Tight spaces से foreground raise करने के लिए आप brush size को कम करके easily raise कर सकते हैं। Ouch, I've just cut my shoulder. I guess I'm not good at this. But no worries, आप इस undo के button पर click करके इसे restore कर सकते हैं। गैस ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है थोड़े ब्लर इफेक्ट के साथ। एंड नाउ यू कैन फाइनली डाउनलोड इट फ्रॉम दिस बटन। एक और ड्रॉबैक इसका ये है कि हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स की क्वालिटी को डाउनलोड करते वक्त रिड्यूस कर देता है अगर आप इसे एज अ फ्री डाउनलोड करते हैं। बैकग्राउंड रेजर फोटो एडिटर में ये एडिटर्स चॉइस में सेकंड रैंक पर है। मज़े की बात यह है कि ये इंटरनेट के बगैर भी काम करता है। लेकिन इसकी ऑटोमेटिक बैकग्राउंड रिमूविंग एक्यूरेसी रिमूव बीजी के मुकाबले में काफ़ी कम है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। खैर, आप इसे मैनुअली रेज कर सकते हैं और इसका रेजर भी काफ़ी अच्छा और ईजी टू यूज़ है। इसके लिए साइज और ऑफसेट का स्लाइडर भी है। आप पिंच करके जूम इन जूम आउट और पिक्चर को मूव कर सकते हैं। अंडू और रीडू बटन्स भी अवेलेबल हैं। रिपेयर टूल से आप गलत रेज हुई जगह को रिस्टोर कर सकते हैं। मैजिक टूल से आप एरिया सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रेज कर सकते हैं और ऑटो टूल से आप सेम बैकग्राउंड कलर को ओवरऑल रिमूव कर सकते हैं। और इसमें ऑफसेट स्लाइडर और थ्रेशहोल्ड स्लाइडर्स भी हैं। स्मूथ एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसका, जिससे आप पिक्चर के एजेस स्मूथ कर सकते हैं और वो भी 5 इंटेंसिटी सेटिंग्स के साथ। इसके अलावा एडिटिंग फीचर्स में कटआउट और शेप टूल्स हैं। इस ऐप से भी आप अपनी पिक्चर पर कस्टम बैकग्राउंड लगा सकते हैं या इन अवेलेबल पिक्चर्स में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपना इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करते हुए।
इसके अलावा ओपेसिटी टूल भी है एक स्लाइडर के साथ, डुप्लीकेट फीचर, फ्लिप फीचर, टेक्स्ट टूल और आउटलाइन फीचर भी है। आई गेस दैट्स ऑल। सेव करने पर ये रिमूव वीजी की तरह आपकी पिक्चर क्वालिटी को कम नहीं करता और हाई रेजोल्यूशन एक्सपोर्ट करता है। बैकग्राउंड रेजर को मैंने थर्ड पर इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से रखा हुआ है, क्योंकि ये इंटरनेट कनेक्शन के बगैर वर्क करता है और बहुत इजी टू यूज़ है। ऑटो फीचर काफ़ी अच्छा है इसका, अगर आप सिमिलर थ्रेशोल्ड सही एडजस्ट करते हैं तो। अंडू और रीडू बटन्स तो हैं ही। मैजिक टूल भी यूज़ करने में मुझे बहुत पसंद आया 36 मैजिक साइज के साथ। इसके अलावा मैनुअल और रिपेयर टूल्स तो हैं ही। साथ ही जूम फीचर भी, बट अनफॉर्चुनेटली सेव करने पर आपकी पिक्चर को रिमूव बैकग्राउंड ब्लैक होगा। आप कमेंट सेक्शन में हमसे इस वीडियो के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर दें और हाँ, यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक हमारी सारी नई वीडियोज़ आसानी से पहुँच सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।